जय बजरंग बली दोस्तों, आज हम हनुमान जी के 40 दिन के संकल्प के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही शक्तिशाली है, जो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। पर इस संकल्प के कुछ नियम और विधि है, उसी अनुसार ये संकल्प होना चाहिए और ये संकल्प पूर्ण होने के बाद आपकी सर्व मनोकामनाएं हनुमान जी अवश्य पूर्ण करते हैं। तो चलिए पहले इस संकल्प के बारे में जानते हैं, फिर हम जानेंगे कि इस संकल्प के नियम और विधि क्या है। तो हम श्री राम का नाम लेकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, कोई भी अन्य बाधा से आप गुजर रहे हैं, या कोई भी आपका ऐसा काम जो पूर्ण नहीं हो रहा है, ये भी आप हनुमान जी के ये 40 दिन के संकल्प से पूर्ण कर सकते हैं। पर हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रख के ही ये संकल्प लेना चाहिए और इसे नियम और विधि अनुसार करना चाहिए। ये संकल्प बहुत ही शक्तिशाली है। अगर हम 40 दिन तक अपनी मनोकामना हनुमान जी के चरणों में रखकर ये संकल्प करेंगे तो हनुमान जी अवश्य सुनते हैं और हमारी सर्व मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। हनुमान जी जीवंत देव है, यानी कि आज भी इस धरती पर उपस्थित हैं और श्री राम नाम के जाप कर रहे हैं। इसीलिए हमारी कोई भी चिंता हो, हमारी कोई भी बाधा परेशानी हो, वे अवश्य सुनते हैं और उसे पूरी तरह हल भी करते हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। बस अंतरात्मा से हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखकर ये 40 दिन का संकल्प रखिए। हनुमान जी अवश्य सुनेंगे और आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण भी करेंगे। तो चलिए अब हम इस संकल्प के नियम और विधि जानते हैं। तो सबसे पहले आपको एक राम दरबार की फोटो फ्रेम लेनी है और साथ ही में हनुमान जी का एक छोटा सा विग्रह भी लेना है और पास में एक तांबे के कलश में पानी भर के वहीं पर रख देना है और एक दीपक प्रज्वलित करके फिर राम नाम के 108 बार जाप करने हैं, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है। इसीलिए राम नाम के आप जाप भी कर सकते हैं और माला भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है। हर दिन इसी तरह 7 बार हनुमान चालीसा आपको करनी है और ये पाठ आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं। फिर जब पाठ पूर्ण हो तो फिर से राम नाम के 108 बार जाप कीजिए। इस तरह आपको 40 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा करनी है और आपकी कोई भी मनोकामना हो वो हनुमान जी के चरणों में रखना है। और ये पाठ, ये संकल्प जब पूर्ण होगा तो हनुमान जी कुछ ही समय में आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी हनुमान चालीसा के 40 दिन के संकल्प की नियम और विधि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने परिवार के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं सनातन की ऐसी ही अमूल्य जानकारी के साथ। तब तक जय बजरंग बली, जय जय श्री राम।